अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। मैं पुलिस को लेकर आऊंगा और फिर देखता हूं कि मेरी पत्नी को मुझे यहां से ले जाने से कौन रोकता है। अरे पुलिस को तुम क्या, मैं बुलाऊंगा पुलिस को। आइए पंडित जी। बाबूजी, यही है वो पंडित जिसने इन दोनों की झूठी शादी करवाई थी। हमको माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, हमसे गलती हो गई। क्यों, गलत कह रहा हूं मैं? अब अपनी खैरियत चाहते हो ना, तो चुपचाप यहां से दफा हो जाना, वरना पुलिस लेके जाएगी तुम्हें एक लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने के आरोप में। हमने सिर्फ वही देखा और वही सुना जो हमें दिखाया गया है। झूठी शादी के रिश्ते को असली मानकर उस पर अपना हक जताने आया था प्रभु दयाल। चलो वो तो खैर इस रिश्ते पर अपना हक नहीं जमा सका, लेकिन दादा के रिश्ते का हक मानते हुए मैं आज ये कहता हूं कि सुमन यहां से कहीं नहीं जाएगी। वो यहीं रहेगी हमारे साथ इसी घर में। कंचन, सुमन को अपने साथ लेकर जाओ। के दिए पर हाथ रख के कसम खाई तभी तूने सच बोला ना। कितना दर्द हुआ होगा, किस मिट्टी की बनी है तू। हर दर्द सह लेगी मगर उफ तक नहीं करेगी। मैंने तुझे कितना पूछा कि तूने प्रभु दयाल के साथ झूठी शादी क्यों की, लेकिन मुझे जवाब में मिली तो सिर्फ तेरी चुप्पी। दूसरों की खुशी और सुख के लिए तेरे लिए अपनी खुशी कोई मायने ही नहीं रखती। तू इतनी अच्छी क्यों है सुमन? खैर तू बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूं। घाव पर मलम लगा देना। बैठ जा।
नंदिनी, रुक जाओ बेटा। भाभी, भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं दीदी। बेचारी नंदिनी ने तो इस घर को अपना समझा था, लेकिन इस घर के लोग उसे अपना समझे तो ना। पहले ही पता होता कि ऐसा होगा तो हम पहले से ही चले जाते, कम से कम ये अपमान तो नहीं सहना पड़ता। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती हूँ। नंदिनी बेटा, इस तरह मुंह फेर के मत जा बेटा, रुक जा। ये अपना और अपमान करवाने के लिए रुके? हाँ नहीं, इस घर की बहू बनने के लिए। मैं अपने होने वाली बहू को इस तरह नाराज होकर नहीं जाने दूंगी। मैं वादा करती हूँ नंदिनी, अगर कोई मेरी बहू बनेगी तो वो सिर्फ तुम हो। अगर कार्तिक से शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारी होगी। ये एक माँ का वादा है, एक सास का। मुझ पर भरोसा है ना बेटा? यकीन कीजिए नंदिनी जी, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ वक्त और हालात का तकाजा था। मेरा इरादा कतई आपका दिल दुखाने का नहीं था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम यहां रुक गए तो शायद हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन नहीं। अगर हम यहां रुके हैं तो सिर्फ मां के लिए, और वैसे भी आपके लिए हमारी भावनाओं की शायद ही कोई कदर है। नहीं, ऐसा नहीं है नंदिनी जी। देखिए, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन उस वक्त अगर मैं सुमन जी की सहायता करने नहीं पहुंचता तो अनर्थ हो जाता। चलिए, अच्छा हुआ आज कम से कम आपने हमें एहसास तो करा दिया कि आपकी जिंदगी में हमारी जगह कहाँ है।